अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं जो हूँ ट्रैवल ब्लॉग के बाद मैंने सोचा कि कुछ कुकिंग भी हो जाए, तो आप लोगों के लिए बनाना ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये होती है, ये मैंने अपनी बेटी से सीखा है, वो बहुत मज़े की बनाती है, क्योंकि मुझे जो है ये चाय के साथ बहुत पसंद है, तो अक्सर वो मेरे लिए बनाती है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी बनाया जाए और रेसिपी शेयर की जाए। तो ये बहुत ही नरम और मज़ेदार केक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है ड्राई इन्ग्रीडियंट को लेते हैं। 1.5 कप जो है मैदा मैंने लिया है इसमें, 1.5 कप, और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून जो है हमने सोडा डाला है, बेकिंग सोडा जो होता है, 1 टीस्पून भर के डालें और फिर उसको जो है दोनों चीज़ों को छान लें। मैंने बटर चूँकि सॉल्टेड यूज़ किया, इसे सॉल्ट नहीं डाला। अगर आप बगैर सॉल्ट वाला बटर यूज़ करें तो फिर इसमें 2 चुटकी सॉल्ट भी डाल दें। उसके बाद इसको छानने के बाद हम जो है बनाना जो है वो लेकर उसको स्लाइस करेंगे। इस तरह का बनाना लें, काफ़ी ज़्यादा पका हुआ बनाना। तो मेरे पास जो है 2 ही बनाना थे, तो मैं उमूमन जब मेरे पास बनाना बच जाता है तो मैं उसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर मैं 2 फ्रीज़र वाले बनाना इसमें डाल दूँगी। तो टोटल 4 बनाना मैंने लिया है, लेकिन आप 3 तक भी ले सकते हैं। हमारे पास ज़रा बड़े बड़े बनाना होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हैं और बनाना छोटे हैं तो आप 5-6 भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना से ही इसमें टेस्ट आएगा। तो मैंने जो है टोटल 4 लिए हैं बनाना पके हुए। ये देखिए, इसमें अब मैंने फ्रीज़र वाला भी मिक्स कर दिया है। फ्रीज़र में रखने से थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे जायका ज़्यादा अच्छा आता है बनाना ब्रेड में। जितने गले हुए होंगे उतने मज़े के बनती है बनाना ब्रेड। तो अब ये मैंने चारों मैश कर लिया है फॉर्क से, और फिर अब इसमें जो है मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। उसके बाद अब 1/2 कप इसमें मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं और अलग से सॉल्ट डाल सकते हैं। रूम टेम्परेचर का होना चाहिए पिघला हुआ। उसके बाद ब्राउन शुगर 1 कप डाली है, और अब मैं इसमें वाइट शुगर भी 1/3 कप डालूँगी, लेकिन ये आपकी चॉइस। अगर आप ना डालना चाहें, अगर कम मीठा पसंद है, तो आप सिर्फ 1 कप ब्राउन शुगर ही लें और उसमें फिर 1 एग डालेंगे हम, वो भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ये ब्रेड बहुत ही आसान है बनने में, क्योंकि किसी बीटर वेटर की ज़रूरत नहीं होती। बस अभी की बॉल में सब कुछ डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर बेक कर लें। ये जो है आप पतीली के ऊपर भी, खाली पतीली लें और उसको गर्म करें 7-8 मिनट, और फिर बिल्कुल लो फ्लेम करके उसमें आप इसको रख दें सांचे को, तो फिर उसमें भी बेहतरीन बेक हो जाती है। इसको जो है तकरीबन 1 घंटा लगता है बेक होने में। अब इसमें मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं, अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। लकड़ी का चमचा मैंने यूज़ किया है, आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हाथों से ही आप जो है इसको इस तरह से अच्छी तरह फेंट लें, सब चीज़ें यकजा हो जाएं, मिक्स हो जाएं आपस में। तो फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देंगे, मैदा और सोडा। बहुत ही आसान है व्यूअर्स, आप लोग आराम से बना सकते हैं। और ये शाम की चाय के साथ, या कोई आपके घर अचानक मेहमान आ रहे हों, तो ये देखेंगे मैंने वॉलनट 1/2 कप लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने मैदा डाल दिया है। इससे ये होता है कि आपके जो वॉलनट हैं वो नीचे नहीं जाके बैठेंगे, बल्कि वो दरमियान में भी रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह केक में डालें तो उसमें थोड़ा सा मैदा लगा दें, ताकि वो नीचे स्लिप होके ना जाए और पूरे केक में इक्वली स्प्रेड हो। तो बस ये इस तरह से आप सब कुछ मेक करके जो है बेक होने के लिए रख दें। तकरीबन 330 फारेनहाइट पे आप बेक करेंगे, या फिर 170 सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए जो है आप बेक करेंगे। और 1 घंटे बाद आप चेक करेंगे टूथपिक डाल के, अगर जो है साफ़ टूथपिक निकल रही है तो उसका मतलब है बेक हो चुका, नहीं तो फिर मज़ीद आप कुछ देर उसे बेक करें। जैसे मेरा जो है 1 घंटे 5 मिनट में ये केक बेक हुआ था। अच्छी तरह से देखें, आपने मिक्स कर लिया है इस तरह। तो उसके बाद फिर आप उसमें अखरोट डाल दें एंड पे बिल्कुल।
ये मेरा फेवरेट केक है, मैं अक्सर जो है सुबह के नाश्ते में जो है चाय के साथ खाती हूँ। आप किसी भी वक्त इसे खा सकते हैं हल्की फुल्की भूख के लिए, ये बहुत अच्छा है। इस तरह से जो है डिश को आप स्प्रे करके ग्रीस कर लें, अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप ब्रश से मक्खन या तेल लगा सकते हैं चारों तरफ, ताकि जब आप उसे निकालें तो चिपके नहीं। अगर तो उसके बाद जो सारा बैटर इसमें डाल दें जो हमने बनाया है। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली के साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, इससे आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अब ऊपर से भी मैंने थोड़े अखरोट डाल दिए हैं, ये अखरोट आपकी चॉइस है, आपको पसंद है तो डालें वरना ना डालें। ये देखिए अब मैंने रख दिया है 330 फारेनहाइट पे एक घंटे के लिए, बेक हो गई है। ये देखें कैसा फूल गया है, और ये इसका कलर जो है ब्राउन शुगर की वजह से है, इसी तरह का कलर होता है, तो ये कोई जला नहीं, ऐसे ही बनना चाहिए। ये बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही लजीज बनता है व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखें कितने आराम से कट रहा है, बहुत ही नरम होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और सबसे ज़्यादा ये कि बनाने में ही बहुत ही आसान है, मज़ेदार भी है और आसान भी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से देखें इसके स्लाइस काट लें, बहुत ही नरम बनता है ये। मैं तो अभी खा रही हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाएं और खाएं, बहुत ही यम्मी है। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नए रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।